ब्लिस रोम का एक लेटेस्ट अपडेट आया है रेडमी के नोट 40S के लिए, जिसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इसके कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाला है कि क्या कुछ इसके अंदर इम्प्रूव की गई है, कैसा परफॉर्मेंस, कैसा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो और इसे यूज करना चाहते हो तो वीडियो को फुल एंड तक वॉच करते रहें, क्योंकि अभी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 आपको मिलता है, क्योंकि जितने भी रोम आ रहे हैं सब एंड्रॉयड 10 का, 9 तो बहुत कम आते हैं, एक दो अपडेट जिनके मैं अपडेट दे देता हूँ आपको। अभी जस्ट बूटलेगर्स आया था जो कि मैंने अपने चैनल पे दे दिया था, आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लेना। 5 मार्च का यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। नोट कर्नेल हर बार हर रोम के अंदर यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी यूज किया गया है, जो कि आपको अच्छा खासा बैटरी देता है लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता है। ब्लिस का जो वर्जन है वो है 12.5, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड डेटा को मिलता है जो कि 27 मार्च का है। बैक की ओर चलते हैं तो आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है, इस बार मैंने एनिमेशन स्केल का यूज किया है, जिसकी वजह से आपको हर एक टैब के ऊपर अलग अलग एनिमेशन देखने को मिलेगा। आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 के नेव बार पे हम आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि बैक लाइट वगैरह हाइड करना, हैप्टिक वीडियो इंप्रूव करना, एनिमेशन को हटाना, हाइड करना नेव बार के पिल्स वगैरह को। लेकिन ये सारे फीचर्स जब यूज कर पाओगे जब आप जो नेव बार को इनेबल करते हो तो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका हार्डवेयर ही इनेबल रहता है, बाकी वो डिसेबल रहता है। वहीं पे यहाँ पे इसका अपडेटर का सेशन मिलता है जहाँ से आप नेक्स्ट टाइम ओटी अपडेट कर पाओगे, क्योंकि एक ऑफिशियल बिल्ड है। यहाँ पे जो कलर्स यूज किए गए हैं और जो कलर्स के फेड नजर आ रहे हैं ऊपर वाले बॉर्डर के ऊपर, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। ये आपको ब्लिस रोम में और साथ साथ रिवेंज वॉइस के अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं पे सायोमी पार्ट्स यहाँ पे ऐड किया गया है, जहाँ पे हेडफोन का गेन और यहाँ पे एमआई साउंड इनहेंसर वगैरह यूज कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। बस इसके फॉन्ट जो है हल्के से बोल्ड यूज किया गया है, बट कोई खास फर्क करने वाला नहीं है। FPS इन्फो ओवरले जो कि अभी फिलहाल मैं कहूँगा कि सोर्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने रेडमी के नोट 5 प्रो में भी यूज किया उसमें भी ये काम नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, तो आप जरूर चेक करके बताना कि आपके लिए वर्किंग है या नहीं। डिस्प्ले कलरेशन वगैरह आपको मिल जाता है, यहाँ पे एम्बियंट पे जेस्चर्स वगैरह है जैसे कि ऑलवेज ऑन नोटिफिकेशन, और जब भी आप इसे फ्लैश करोगे ये ऑलवेज ऑन आपका ऑन रहता है, इसे आपको ऑफ कर देना है अदरवाइज बैटरी ड्रेन होगी जब आपका डिस्प्ले ऑन रहेगा तो। वहीं पे यहाँ पे हैंडवे और पॉकेट दोनों का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है, कोई एक ही चीज़ आप वन टाइम ऑन कर सकते हो, या फिर आप इसे ऑन कर लो या फिर आप इसे ऑन कर लो, तो इस तरीके से काम करता है। आप देख सकते हो जैसे इसे ऑन किया ये ऑटो डिसेबल हो गया है, तो ये अच्छा खासा आपको जो बेनिफिट देखने को मिल जाता है जो कि परफेक्टली काम करता है। वहीं पे फिंगरप्रिंट की अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट आपको जो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, तो फिंगरप्रिंट मैं कहूँगा कि बाकी ज़्यादा एंड्रॉयड 10 के रोम से ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे डबल टैप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वन टाइम है जो अनलॉक हो जा रहा है। जबकि बाकी अदर रोम है जिसमें हमें डबल टैप यूज करना पड़ता है फिंगरप्रिंट के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा है जो काम कर रहा है। तो सेम मुझे बेटर परफॉर्मेंस रेडमी के नोट 5 प्रो के अंदर भी देखने को मिला और सेम यहाँ पे भी, तो इसमें फिंगरप्रिंट के बारे में काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देखने को मिलता है। वहीं पे स्क्रैम्बल लेआउट डायरेक्ट और यहाँ पे क्विक अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। यहीं पे आते हैं डिस्प्ले की बात करते हैं, तो डिस्प्ले में एक और काफ़ी कमाल का फीचर्स मिलता है, वो है ओवरली फोर्स डार्क। जी हाँ, जैसे कि हमें MIUI पे ग्लोबल डार्क मोड देखने को मिल रहा है जो कि अब इंडिविजुअल हो गया है, तो टॉप अपकमिंग वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था MIUI 12 और 11 के फीचर्स की, आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लेना, जिसमें मैंने शो किया है। अगर आप इस फोर्स फुल्ली डार्क का यूज करते हो तो जो थर्ड पार्टी ऐप आप यूज कर रहे हो जो कि डार्क में चेंज नहीं होते हैं, वो इजीली इसके बाद है जो डार्क में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल ये डार्क में आ गया है हमारा जो अनटूटू का स्कोर है, और जो टोटल स्कोर हमें मिला है वो है 98764 का, जो कि नोट कर्नेल के हिसाब से ठीक है लेकिन इस मिडो डिवाइस के अनुसार ठीक नहीं है। तो अगर आपको गेमिंग या बैटरी चाहिए तो आप रियल का यूज कर सकते हो, और इसके कर्नेल मैनेजर का यूज करते हुए आप सब कुछ है जो मैनेज कर सकते हो अपने बैटरी को या अपने गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह को, तो ये चीज़ आपको मिलती है। लॉक स्क्रीन डिस्प्ले पे आते हैं तो यहाँ पे वही ऑलवेज ऑन नोटिफिकेशन, एम्बियंट और यहाँ पे एड यूजर फ्रॉम लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लाइव डिस्प्ले के अंदर आपको फिर से जो देखने को मिलता है कलर कोलाबोरेशन, जो कि मैंने आपको अबाउट में शो किया था, तो दो जगह ये ऑप्शन आपको नजर आते हैं। वहीं पर बैटरी में यहाँ पे कहूँगा 10x में मुझे 4% की बैटरी ड्रेन देखने को मिली है, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन ये तो कर्नेल के ऊपर है तो आप कर्नेल चेंज करके बैटरी को स्टेबल कर सकते हो। स्टेटस बार की ओर बात करते हैं तो वही लॉकडाउन वगैरह ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कैरियर लेवल, नेटवर्क ट्रैफिक, ब्राइटनेस वगैरह, जो कि मैंने आपको पहले भी शो किया था। लेकिन नई चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे थीमिंग का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे आप खुद से जो बहुत सारे क्लॉक्स अप्लाई कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे ग्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हो और बाकी अदर चीज़ें भी देखने को मिलती है जैसे कि आइकन के शेप वगैरह। वहीं पर आप खुद से जो कलर्स जनरेट कर सकते हो कैसा आपको चाहिए, और खुद का कलर एक्टिव भी यहाँ पे कर सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर आप मैनुअली भी
कंट्रोल कर सकते हो। तो जो थीम का सपोर्ट दिया गया है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। तो आप अपने मर्जी के अनुसार थीम का सपोर्ट यूज कर सकते हो, साथ साथ लॉन्गर स्क्रीनशॉट क्लिक करने का भी बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे यहाँ पे आपको बैटरी से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सेंसर ब्लॉक, यहाँ पे सिग्नेचर स्पूफिंग, म्यूजिक, हेडफोन ऐप, अलार्म ब्लॉकर, वेब ब्लॉकर, स्क्रीनशॉट टाइप जो कि सिलेक्टेबल होगा और या फिर आपका फुल होगा, तो जो कि कुछ इस तरीके से है। अगर आप बटन का यूज करोगे तो कुछ इस तरीके से आप सिलेक्ट करके है जो कट कर सकते हो कुछ इस टाइप से। तो ये भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से। वहीं पर ऊपर की ओर आते हैं तो सीपीयू इन्फो मिलता है, जो कि यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। डैशबोर्ड सजेशन वगैरह मिल जाते हैं, राउंड कॉर्नर और गेमिंग मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस बार मैं कहूँगा कि ब्लेस रोम ने काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करके दिखाया है, जो कि आपको यूज करने में काफ़ी ज़्यादा है जो बेनिफिट मिलने वाला है। और बाकी आपका वाईफाई हॉटस्पॉट सब कुछ वर्किंग है। इस HD के आइकन से आप अगर ऑकवर्ड फील कर रहे हो तो सिंपली इसको इस तरह से टाइप करना है, सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है और आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। ऐसा नहीं कि फोर्स स्टॉप करने पे आपका जो वोल्टेज डिसेबल हो जाएगा, वोल्टेज परफेक्ट रहेगा, बस वो जो आइकन जो कि आपको इरिटेट कर रहा है वो हट जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम सेटिंग की बात करें कॉलिंग की, तो अगर हम आते हैं यहाँ पे तो ये आपको मिल जाता है स्मार्ट म्यूट का और वाइब्रेट का, DND का, किक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेंसर में आप जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर को डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप वगैरह ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अदर के अंदर आपको फुल फोटो का भी फीचर्स देखने को मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी का भी आपको स्पीकर टाइम का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप अननोन कॉल को ब्लॉक भी कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं पे भी कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे फिलहाल मिसिंग है, जो कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप इसे यूज करते हो तो। वहीं पे नेट सेफ्टी आपको फुल्ली पास मिलता है और आपका जो प्ले स्टोर है वो भी सर्टिफाइड मिलता है। तो आप बैंकिंग के ऐप रूट करने के बाद भी यूज कर सकते हो और विदाउट रूट करने पे भी यूज कर पाओगे। वहीं पे आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले का स्टेबलाइजेशन, ब्लिंक डिमर, साइमे पार्ट्स और स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डर की बात करें तो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर मिलता है ऑक्सीजन ओएस का, जिसके थ्रू आप इंटरनल साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हो और एक्सटर्नल साउंड को भी, तो जो मर्जी है वो आप रिकॉर्ड कर पाओगे। तो काफ़ी बेटर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है। तो आई होप सो गाइज कि मैंने कंप्लीट डिटेल दिया है। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।